हेलो फ्रेंड्स, आईपी कैमरा ट्रेनिंग सीरीज का एक और नया वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हूं। आज के इस वीडियो में हम सीसीटीवी मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। और मेरे पास एक एनवीआर है और उसके साथ हम चाह रहे हैं कि चार मॉनिटर को कनेक्ट हमें करना है, तो ये कैसे पॉसिबल है? आपको पता है कि आपके पास एनवीआर या फिर डीवीआर है तो उसके अंदर कंपनी की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट एक ही एचडीएमआई पोर्ट मिलता है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा एक एचडीएमआई पोर्ट है बट उसके थ्रू हमें चार मॉनिटर को कनेक्ट करना है या फिर तीन मॉनिटर कनेक्ट करना है, एक से ज़्यादा मॉनिटर हमें कनेक्ट करना है, तो ये किस तरह से पॉसिबल है? तो उसके लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जिस डिवाइस का नाम है एचडीएमआई स्प्लिटर। तो आज के इस वीडियो में हम इसी एचडीएमआई स्प्लिटर के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मैं हूं शाकिब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा आप देख पा रहे हैं एचडीएमआई स्प्लिटर है। एचडीएमआई स्प्लिटर जो है वो 1:2 आता है, 1:2 आता है एक एचडीएमआई स्प्लिटर जिसके अंदर आपको मैक्सिमम दो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यानी 1:2 का मतलब ये हुआ कि आप इसके अंदर 1 इनपुट डालते हैं और आपको 2 आउटपुट मिलता है, तो मैक्सिमम इसके अंदर आप 2 मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 1:4 यानी इसके अंदर आप एक एचडीएमआई इनपुट देंगे तो आपको ये 4 एचडीएमआई आउटपुट आपको मिलेगा जिसके अंदर आप मैक्सिमम 4 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये डिवाइस के अंदर, ये देखिए हमारा यहाँ पर इनपुट है जो एनवीआर से जो एक एचडीएमआई केबल आता है आपको डायरेक्टली इनपुट के अंदर डालना है, और फिर जैसे आप इनपुट के अंदर डालते हैं तो आपको इस तरह से 4 आउटपुट जो है एचडीएमआई का आपको मिल जाता है, और इस 4 आउटपुट के अंदर आप 4 अलग अलग मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से एचडीएमआई स्प्लिटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हमने बताया कि ये देखिए ये 1:2 है हमारा स्प्लिटर जिसके अंदर आप एक इनपुट डालते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से एचडीएमआई स्प्लिटर होता है। यहाँ पर एक पावर आपको इसको लगता है, पावर कनेक्ट करना होता है जो डिवाइस के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आपको पावर एक अडेप्टर आता है उसके साथ कनेक्ट कर देना है, और यहाँ पर एक आपको एचडीएमआई इनपुट का पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक दूसरा पार्ट जो होता है उसी के अंदर जो दूसरे साइड में आपको एचडीएमआई आउटपुट देखने के लिए मिलेगा, एचडीएमआई आउटपुट 1 और एचडीएमआई आउटपुट 2। अगर हम 1:4 डिवाइस की बात करें तो इसमें भी एक देखिए यहाँ पर डीसी 5 वोल्ट का पावर लगता है जो अडेप्टर आपको इसके साथ में जब आप परचेस करते हैं तो साथ में आता है, तो यहाँ पर इसको जब आप पावर देते हैं उसके बाद यहाँ पर एक एचडीएमआई इनपुट का यहाँ पर एक पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, और फिर इसके दूसरे साइड पर आपको आउटपुट 1, एचडीएमआई आउटपुट 2, आउटपुट 3 और आउटपुट 4। तो इस तरह से करके अगर आप 1:2 लेते हैं इसके अंदर मैक्सिमम 2 आप मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 2 से ज़्यादा मॉनिटर कनेक्ट करना है, अगर 3 करना है तो उसके इसमें आपको 1:4 का डिवाइस लेना होता है, और यहाँ पर आप मैक्सिमम 1:4 के अंदर 4 मैक्सिमम आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पर मेरे पास एक एनवीआर है और हमने 3 मॉनिटर कनेक्ट किया है, और एक एनवीआर के ऊपर हमें 3 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर हमें 3 मॉनिटर के ऊपर हमारे सीसीटीवी कैमरे को मॉनिटर करना है। तो उस केस में किस तरह से हमारा एचडीएमआई स्प्लिटर काम करता है, आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर एक हमने एनवीआर लिया है और फिर उसके बाद हमने एक पीओई स्विच लिया है, और इस पीओई स्विच के अंदर हमने सिर्फ 2 कैमरा कनेक्ट किया है। जस्ट आपको एक समझाने के लिए यहाँ पर आप कुछ भी हो सकता है, आपका 4 चैनल का ले सकते हैं, 8 चैनल का आप एनवीआर ले सकते हैं, 16 चैनल का आपका एनवीआर हो सकता है, 32 का हो सकता है, 64 का हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। जो आप यहाँ पर इनपुट देंगे वो आपके डिस्प्ले के ऊपर उतना कैमरा लाइव हो जाएगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको पता है कि एनवीआर के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट या फिर अगर आपका डीवीआर है एनालॉग सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक एचडीएमआई पोर्ट आता है, 2 यूएसबी पोर्ट आपको मिलता है और फिर एक वीजीए पोर्ट आता है। आपको पता है वीजीए पोर्ट से जब आप आउटपुट मॉनिटर कनेक्ट करते हैं तो जो कैमरा का जो रिजोल्यूशन है, जो उसका क्वालिटी है, थोड़ा कम आपको मिलता है। अगर एचडीएमआई के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो आपको बेटर मिलती है कैमरे की। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जब भी आप कैमरे को मॉनिटर के ऊपर व्यू करें तो आप एचडीएमआई केबल के थ्रू ही व्यू करें, तो उसके ऊपर आपको क्या कैमरे की क्वालिटी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी कंपैरिजन टू वीजीए केबल, बिकॉज यू नो वीजीए केबल जो है वो पुराना है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, और एचडीएमआई केबल जो है इज़ द लेटेस्ट वन, तो आप हमेशा एचडीएमआई केबल यूज़ करें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने आपको बताया 2 कैमरा कनेक्ट कर रखा है।
उसके बाद हमें तीन मॉनिटर यूज करना है, तो बीच में हमें एक 1:4 का, हमने आपको बताया कि जब आपको तीन दो मॉनिटर कनेक्ट करना है तो उसके लिए 1:2 का डिवाइस आता है, अगर आपको तीन करना है तो आपको 1:4 का डिवाइस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बीच में हमने एक 1:4 HDMI स्प्लिटर लगाया है, HDMI NVR से जो एक HDMI आया है, तो यहाँ हम HDMI इनपुट के अंदर एक HDMI केबल लिया हमने, एक एंड इसका NVR के अंदर डाला, दूसरा हमारा जो HDMI स्प्लिटर है उसके इनपुट में आप इंसर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको चार आउटपुट मिल जाता है, तो मैक्सिमम आप चार मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने तीन कनेक्ट किया है, तो देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली एक HDMI केबल लेना, जो भी आपका डिस्टेंस है 5 मीटर है, 10 मीटर है, 15 मीटर है, तो आपको डायरेक्ट एक HDMI केबल ले लेना है और फिर अपने मॉनिटर के अंदर, ये देखिए पहला हमने लिया और यहाँ पर मॉनिटर पे कनेक्ट किया, तो आपका जो CCTV कैमरा है ये मॉनिटर के ऊपर लाइव आ जाता है। इसी तरीके से आपका दूसरा मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए आपको एक दूसरा HDMI केबल लेना है, और फिर जैसे ही दूसरे मॉनिटर के ऊपर लगाएंगे आपका जो मॉनिटर है वो यहाँ पर लाइव आ जाएगा। फिर तीसरे को सेम करना है, एक HDMI केबल लेना है, एक पार्ट को इधर HDMI स्प्लिटर में डालना है, दूसरा पार्ट को HDMI मॉनिटर के अंदर डालना है, तो आपका कैमरा जो है पैरेलली तीनों भी मॉनिटर के अंदर लाइव हो जाएगा। इस तरह से करके आप अपना एक NVR के अंदर तीन अलग अलग या फिर चार अलग अलग मॉनिटर के ऊपर अपने सेम कैमरे को आप लाइव कर सकते हैं। लास्ट के वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से आप HDMI को स्प्लिट करते हैं और HDMI को एक्सटेंड करते हैं, साथ ही साथ आपको माउस की कंट्रोलिंग भी चाहिए सारे मॉनिटर के ऊपर, तो किस तरह से ये चीज़ पॉसिबल है वो लास्ट के वीडियो में हमने बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाके आप उस वीडियो को भी वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।